एजुकेशन पॉलिसी में परसेंटेज और एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। मेरी क्लास में शायद ही कोई ऐसा लड़का था, शायद, जो नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर रहा था मुझे छोड़ के। सब नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, सब इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये करना है, वो करना है, सब। जब माइंड, सारा काम तुम्हारे मन को करना है, एवरीथिंग इज डन बाय योर माइंड, सब कुछ जो भी तुम्हारे जीवन में क्रूशियल है, पढ़ना है मन से, वर्शिप करना है मन से, वॉर करना है मन से, लव करना है मन से, सब कुछ मन से गवर्न हो रहा है। तो अगर हम इसको अलाइव कर लें, अलाइव, तो हम जो भी करेंगे वो एक्सेलेंट करेंगे, स्टैंडर्ड। तुम देखो थ्री इडियट में, फरहान को देखो क्या हालत है, फरहान अपसेट, डिस्टर्ब, क्राइंग, डिप्रेस्ड। राजू को देखो, चतुर्लिंगम, वो अलग ही टेंजेंट पे खड़ा है। पर रांचो, उसने ऑब्जर्वेशन वाली पढ़ाई की है, पिक्चर बनाया है, यहां पे रटा नहीं है, कुछ भी रटा नहीं है। जहां रटना है वहां भूलना है, दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जहां पिक्चराइजेशन है वहां भूलना नहीं है। तुम देखो रांचो को, जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मस्त है वो आदमी। वो ऐसा थोड़ी कि फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर कि मैं फर्स्ट रैंक आया हूं, वो भी फर्क, उसका भी उसके ऊपर फर्क नहीं है। चतुर्लिंगम तो सेकंड पे रो रहा है, ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ, वो क्यूब से खेल रहा है, सेट कर रहा है, डीन को एडवाइस कर रहा है कि सर ये सब अच्छा नहीं लगता, सबको साथ में बिठाना चाहिए, जिनके कम नंबर आए उनको पीछे बिठाना। कहता पीछे, और पीछे चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनका जिंदगी में, नौकरी नहीं लगेगी। कहता सर लग गई तो, देखो मास्टर को टेंशन दे रहा, इतना कॉन्फिडेंस है उसे अपने स्टाइल पर, अपने अप्रोच पर, क्योंकि वो जानता है कि परसेंटेज नेवर रूल्स। कुछ भी पढ़ो, रटो मत, सीखो, ऑब्जर्व करो, रुको। इस देश की एजुकेशन बस एक बात बोलती है, नौकरी करनी, नौकरी। ऐसा लगता है कि सब नौकर बनने के लिए पैदा हुए, सब, बाकी तो साहब कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, नौकरी करना है, बच्चा पैदा करना है, और कुछ करना ही नहीं लाइफ में। द सोल गोल ऑफ 90% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री कि भैया तुम्हारी नौकरी लग जाए तो हम खुद संतुष्ट हो जाए, अब तुम्हारे बच्चे हो जाए तो हम संतुष्ट। कैरियर ओरिएंटेड ये कंट्री है ना, यहां ई इज इक्वल टू ई है, मतलब एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट नहीं। से हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, हमसे कहते हैं यार पापा सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी वाईटी मैंने करने थे, तुझे तो ऐसे ही चुनाव लड़ना है, तुझे कौन सा आईटी जाना है, अच्छा ठीक, ने अपना अप्रोच है ना लाइफ का, सब जा तो रहे हैं, नर्सरी से लोग पढ़ा रहे बच्चों को, तो बस नहीं चल रहा है लोगों का, नहीं तो नर्सरी के लड़कों को लाके यहां क्लास में बिठा दें, हम लोग को डाइपर चेंज करना पड़े, लड़का रोने लगेगा। 6th-7th के बच्चों को पेरेंट्स लाते हैं, सर हमारा बच्चा आईएएस की तैयारी करना चाहता है, मैं कहता हूं बहुत लेट हो गए, आपको तो नर्सरी में आना चाहिए था, यहां तो बहुत नर्सरी के बच्चे। तुम यार हड़बड़ी में पड़ जाते हो, तुमने पढ़ने का मतलब रटना मान लिया, रटना, परसेंटेज 99.9% डिप्रेशन के शिकार है, कुछ नहीं होता परसेंटेज से, परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते, परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो कबीर का आज इतना नाम नहीं होता। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो कबीर का इतना नाम नहीं होता, परसेंटेज से दुनिया चलती तो विवेकानंद को जीरो पर बोलने के लिए कहा गया था शिकागो में, आज भी विवेकानंद मेमोरियल है शिकागो में, जीरो जीरो। और जिस महिला ने उनको अपने घर में रखा तो बेचारी रिक्वेस्ट करने गए रिलीजियस कन्वेंशन में कि साहब एक सन्यासी इंडिया से आए, साहब इनको भी बोलने दो,
वेस्ट के लोगों को लगा कि बिल्कुल चलो अच्छा चलो बुलाएंगे तुमको, जीरो पे बोलो। उस आदमी ने इतिहास रच दिया, और इतना बड़ा इतिहास कि जिस कमरे में वो रुके, जिस बेड को इस्तेमाल किया, जिस पिलो को इस्तेमाल किया, जिस पेन को इस्तेमाल किया, अमेरिका आज भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के मांगने पर नहीं देता, कहता ये मेमोरी है साहब हमारे लिए। इतना बड़ा महान आदमी ईस्ट से आया, हम उसे भिखारी समझ रहे थे, वो सन्यासी निकला। हमें पहली बार जीवन में पता चला कि सन्यास का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल एम्परर्स, सन्यासी ऐसे पढ़ना है, रटना नहीं है। रटे तो गए, रटे तो राजू बन जाओगे, चतुर्लिंगम बन जाओगे, रटे तो राजू या चतुर्लिंगम, रटे तो गए। इस दिमाग को, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है तुमको, इसलिए हिंदू यहां चंदन लगाते, यहां रेखाएं माथे पे तिलक लगाते हैं। सारा खेल यहीं से होता है, सारा इसी इतने क्षेत्र से सारा खेल होता है। इसलिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब सजदा करते हैं इसको, नीचे सर जमीन पे लगाते हैं कि मालिक इसको संभाले रखना, तुम्हारे सामने झुका रहे हैं। इसलिए मंदिर में पैर झुकाना बुरा माना जाता, सब झुकाओ सर। ऐ खुदा ऐ पाक ऐ अब्दुल करीम, कहते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सर झुकाते हैं तेरे दरबार में, हम तो खादिम है तेरी सरकार में। मस्ती से पढ़ो, दिमाग खोलो, लगाओ, विजनरी बनो, आगे बढ़ो। सिर्फ आईएएस थोड़ी बनना है, डेवलप, इवॉल्व करो अपने आप को, इवॉल्व अपने आप को, एक नया डायमेंशन दो। तोता बनकर राजा नहीं बना जा सकता, तोता और राजा का कोई संबंध नहीं, कोई कोई तोता कभी संत नहीं। ये जो देख रहे हो ना टॉपर्स, जो टॉपर्स देख रहे हो ना, इनकी यही स्पेशलिटी है। अचीवमेंट तो पूरी इन्हीं की है, इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी हम सभी हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा है। क्या है एक्स्ट्रा? ऑब्जर्वेशन क्षमता इनकी अच्छी है, तुम भी अच्छा कर लो। तुमको क्या लगता है कि ये 20 घंटे पढ़ते थे? कौन पढ़ेगा 20 घंटे? कुछ हिडन मामले हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन क्षमता अच्छी है। जिससे भी पढ़े कुछ सीख लिए, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर दिया, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने लगे, टॉप कर गए। कल तुम भी टॉप कर जाओगे। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।